माया का अधन हमारा मन आरोपित है। और आप देखते हो कि सत्य को सत्य नहीं देखता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी का मुखारविंद देखता है, लेकिन कोई भूखा उसमें रोटी देखता है। हमारे चित्त की जो दशा होती है हमें वैसा दिखाई देता है, और हम आसक्ति से बंधे हुए रूप और सौंदर्य को भी साधारण स्त्री पर आरोपित कर लेते हैं। वही मन की माया है। और कदाचित परीक्षित शुकन बोलते हैं क्या करना चाहिए, जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये। जितासनो, आसन को साधना। बहुत बार हम देखते हैं कि सब लोग बैठे हैं, कुछ व्यक्ति लगातार अपने पांव को हिला रहा है, उसे समझ में आता है कि उसका मन चपल है। लगातार अपने शरीर में गति पैदा करना, इसका मतलब चित्त के अंदर चपलता, विचारों की अनंत श्रृंखला अंदर चल रही है। जितासनो जित श्वास, अपनी श्वासों का संयमन प्राणायाम के द्वारा करना। और देवियों, आप देखो जब भी आप आवेग में होंगी, आवेश में होंगी, तो सांसों की गति तीव्र हो जाती, क्रोध में, क्षोभ में, संताप में, अपमानित हुए व्यक्ति की गति सांसों की तेज हो जाती है। और जैसे ही आपका चित्त शांत होगा आपकी सांसों की गति भी शांत हो जाएगी। और सांसों की गति पर हमारी आयु निर्भर करती है। इसलिए तुमने देखा होगा जीव जंतुओं में कछुआ बहुत लंबी आयु जीता है, लेकिन उसकी सांस की गति का पता नहीं चलता। कुत्ता बहुत धोंकनी की तरह सांस लेता है और वो अल्प आयु होता है। और जितने ही आवेगों में हम अपनी सांसों की गति को तेज करते हैं उतना ही हमारी आयु कम होती है। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से आसन साधना और प्राणों का नियमन करना, सांसों की गति पर अंकुश करना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चित्त शांत रखना। और आप देखो गहरी लंबी सांस लोगे तो आपका चित्त स्वतः ही शांत होता चला जाएगा। और इसके लिए होश जरूरी है। और अगर आपने बेहोशी में भजन कीर्तन जो भी किया, आरती पूजा अगरबत्ती घंटी प्रसाद, लेकिन अगर होश नहीं है तो फिर बात बनती नहीं है। होश पूर्वक अपनी सांसों का नियमन करने वाला व्यक्ति चलता है तो मंदिर की परिक्रमा होती है, भोजन करता है तो भजन हो जाता है, सो जाता है तो समाधि में उतर जाता है। चलूं फिरूं सोई पै कर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। अच्छे से अच्छा साधु पुरुष भी कुसंग पाकर पतित हो जाता है, इसीलिए जित संग कहा गया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर नहीं। तुम तो राजस्थान की हो, वहां बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का साम्राज्य रहा, पूरे भारत में राजा महाराजा थे। मेवाड़ की धरती के राजा तेज और शौर्य को धारण करने वाले, लेकिन बहुत बार सुख में एक बड़ी खराबी है कि सुख जो है वो आलसी बना देता है, प्रमादी बना देता है। जब व्यक्ति के पास सुख होता है तो वो प्रमादी हो जाता है, और प्रमाद से ही दुख आता है। इसलिए सुख दुख दोनों जोड़े हैं। सुख का फल प्रमाद है और प्रमाद का फल दुख है, और दुख का फल जागरण है और जागरण का फल फिर सुख है। ये ऐसे चक्र वर्तुलाकार घूमता है। राजा महाराजा आलसी प्रमादी ऐश्वर्य पा गए तो उनके दास दासी जो उनके कारिंदे होते थे वो उनको कहता था, वो जनता को कहते थे। और धीरे धीरे राजा इतना धुत्त प्रमादी और आलसी और शराबी हो जाता था कि कारिंदे ही स्वामी बनकर प्रजा पे राज करने लग जाते थे। ये किसी राजा कारिंदे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इस देह के साम्राज्य में स्वामी तो आत्मा है, कारिंदा तो मन है, पर जब सुप्त होती है चेतना
तब मन जो दास है वो स्वामी बनकर इंद्रियों को निर्देशन देना प्रारंभ कर देता है, इंद्रियां फिर उसके इशारे पे चलने लगती। तो इंद्रियों का स्वामी होना, उसके लिए पहले मन का स्वामी होना होगा। एक जना तो रसगुल्ला निचोड़ के खा रहा था, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले दीदी मैं डायबिटीज है तो निचोड़ के खा रहा हूं। तो मैंने कहा फिर रसगुल्ला कहाँ कर रहे हो, गुल्ला गुल्ला खा रहे हो। एक डॉक्टर मुझे मिले, बोले दीदी माँ मेरे मित्र है ना गुलाब जामुन को उबला पानी डालते हैं फिर खाते हैं। खाने का मन होता है क्योंकि रोग कहता है कि खाओ मत, वैद्य कहता है, हम संयम कर नहीं सकते, आप बस औषधि दे दो। इसी एलोपैथी वाले ज्यादा फेमस है, वो कहते हैं समोसे पकौड़े भी खाते रहो और हमारी गोलियां भी सटकते रहो। वैद्य के पास जाएंगे वो हमें विधि बताएंगे, निषेध बताएंगे, अभक्ष अभक्ष बताएंगे, ये खाना है ये नहीं खाना, नहीं 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 आप तो औषधि दे दो, खांसे जा रहा है खांसे जा रहा है। तो वैद्य जी ने कहा खांसते रहो अच्छी बात है, रात भर खांसोगे तो घर में चोर नहीं आएंगे, खांसते खांसते अधमरे हो जाओगे, लाठी लेके चलोगे तो कुत्ते काटने का डर नहीं रहेगा। एक और फायदा है, खांसते खांसते जवानी में ही चल बसोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। लेकिन व्यक्ति संयमित नहीं रहना चाहता, अभी अभी बात हुई है, अभी अभी उत्तर देना है, उसने मुझे कुछ बोला है, मेरे अंतःकरण मेरे मन की झील में कंकड़ फेंक दिया और तरंगे उठने लगी। क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हम घास पात की तरह हैं कि कोई अंगारा फेंक दे और आग धधकने लग जाए, क्यों नहीं हम मान सरोवर कि कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी शीतल हो जाए, हमारे चित्त की शांत अवस्था। ये इंद्रियों के संयम पे आती है, इसलिए मौन तप है, कम बोलना चाहिए। अगर कुटुंब टूटा है तो वाणी का दोष है देवियों, ये जो बकबका लग जाता है ना, घूंघट तो इतना बड़ा काढ़े रहती हो और मुंह से गालियां ऐसे छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही, और वाणी के दुरुपयोग ने हमारे घर के माहौल को बिगाड़ा। इसलिए कभी कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन को शांत रखना चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी तप है, सहन करना भी तप है, आग में तपना ही तप नहीं होता, अपने मन के विरुद्ध कुछ हो रहा है उस प्रतिकूलता में भी ईश्वर का ध्यान करना, प्रणिपात हो जाना, शांत बने रहना, यह भी तप है। इसलिए अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो इंद्रियों का संयम चाहिए। इसलिए वो जो कम बोलते हैं, वो जो थोड़ा खाते हैं, वो हमेशा शांत आनंद में रहते हैं। ज्यादा प्रचार प्रसार, इतना सा देते हो दुनिया जाने, ये हम चाहते हैं। जिस दिन तुम व्रत करती हो ना, उस दिन तो लगता है मोहल्ले भर को बता दूं कि आज मेरा व्रत है, कोई बात नहीं करता फिर भी बताता है कि आज मेरा व्रत है। हमें व्रत में इतना आनंद नहीं है जितना बताने में आनंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने अभिमान का पोषण करते। जब कोई देखने वाला नहीं तो प्रार्थना छोटी सी है, और अगर दर्शक हो जाए तो फिर लंबी चौड़ी प्रार्थना चलती है। रस प्रार्थना में नहीं है, रस सामने से मिलने वाली प्रतिष्ठा में है, और यही परेशानी है, नहीं तो परेशानी किस बात की। मैंने इतना काम किया दीदी माँ, लेकिन कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं। अरे मैंने कहा बाती जलती रही, दुनिया ने कहा दिया जल रहा है, बाती ने तो कभी रोष व्यक्त नहीं किया, क्या कभी दिया भी जला, जली तो बाती पर सारा यश लूट के ले गया दिया। कभी कुछ तो चित्त में आए कि नहीं मेरा करना मेरा होना यही मेरा आनंद है। तो अपनी सांसों को साधिए, जब क्रोध आए चित्त में तो क्रोध की अवस्था में लंबी गहरी सांस लेना शुरू करो। और देखो देवियों, जो मन है ना ये पानी की टंकी के जैसा है, जब टंकी बहुत दिन तक साफ ना की जाए तो उसके नीचे काई जम जाती है, और जब साफ करने चलोगी तो वो काई पूरे पानी को गंदला कर देगी और तुम व्याकुल हो जाओगी कि ये सफाई क्या हुई है, तो पानी सारा गंदा हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, अवचेतन मन में जो है वही हमारा सच है।